दोस्तों आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस तरह का फोटो का फेस को स्मूथ करना एंड फेस को व्हाइट करना सिखाना बोलो, वो भी बहुत ही इजी स्टेप के अंदर। ठीक है, तो चलिए वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे फोटो को ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर चुका हूँ। ये वाला फोटो के अंदर देख सकते हैं फोटो का फेस कितने ज़्यादा खराब टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ब्रश टूल के अंदर जाना है एंड थोड़ा सा नीचे को आके आप लोग कुछ इस तरह का ब्रशेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर से आप लोग को स्मार्ट वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर से मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं मैं ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ सेटिंग के अंदर एंड सेटिंग टूल के अंदर आप लोगों को ध्यान से देखना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं फ्लोर को इतना ही रख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 1% एंड इसको आप लोग 3 या 5% रख सकते हो एंड 7% मतलब आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना एंड साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से कम एंड ज़्यादा करके कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करना है एंड फेस के अंदर कुछ इस तरीके से ब्रश कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से मैं फेस स्मूथ करूँगा। ठीक है, तो आप लोग को भी इसी टाइप से फेस को स्मूथ कर लेना है। ठीक है, एंड फेस स्मूथ करते टाइम आप लोग थोड़ा सा ब्रश को मतलब घुमाना है, तभी आप लोग परफेक्ट तरीके से फेस स्मूथ होगा। आप तो फेस को व्हाइट कैसे करना है, लेयर टूल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा प्लस टूल। जस्ट आप लोग इसके अंदर क्लिक करके इसका ब्लेंडिंग कलर टूल के अंदर जाना है, यानी कि लेयर के अंदर क्लिक करके इसका ब्लेंड टूल के अंदर जाके इसको कर लेना है सॉफ्ट लाइट। जैसे कि देख सकते मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट। ठीक है, तो सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका मतलब कलर टूल के अंदर जाएंगे। ठीक है, कलर टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप लोग को व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को जाना है ब्रश टूल के अंदर। यहाँ पे आप लोग को टाइप ब्रश के अंदर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे साइज को फोटो के हिसाब से कम ज़्यादा करके कुछ इस तरीके से फेस को व्हाइट कर लेना है। जैसे देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक तरीके से फोटो का फेस व्हाइट हो रहा है। अब आप लोग को इसी टाइप से फेस को व्हाइट कर लेना है पूरा ही, यानी कि फेस वगैरह को व्हाइट कर लेना है, वगैरह वगैरह को सब कुछ व्हाइट कर लेना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग का जो जरूरत है, जैसे कि देख सकते हैं मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिया, तो आप लोग धीरे धीरे ही करना है आप लोग को। यहाँ पे कंप्लीट फेस व्हाइट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा ऑटो स्केच बुक ऐप का जो काम था भाई वो खत्म अभी नहीं हुआ। आप लोग को लेयर टूल के अंदर जाना है एंड ये वाला लेयर का आप लोग ऑफिसर को कम ज़्यादा करके देख लेना है कौन सा आप लोग को रखना है, यानी कि आप लोग एडजस्टमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे ये वाला फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड ये वाला फोटो को मैं ओपन कर लूँगा पिक्सर ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये वाला फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड फोटो सेव करने के बाद पिक्सर ऐप के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले इफेक्ट टूल के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोग को जाना है कलर टूल के अंदर। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा कलर्स देखने को मिलेगा। सो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे कलर जी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी इसी टाइप से कर लेना है एंड इसका ह्यू को आप लोग को इधर उधर करके देखना है कौन सा कलर आप लोग को रखना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं ये वाला कलर को रखने वाला हूँ। ये वाला कलर के अंदर सिलेक्ट करके यहाँ पे इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पर्सन टूल। जस्ट आप लोग को पर्सन टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा इनवर्ट टूल। जस्ट इनवर्ट टूल के अंदर क्लिक करके आप लोग राइट पर क्लिक कर लेना है। ह्यू को आप लोग इधर उधर करके देख लेना है कौन सा कलर आप लोग को रखना है। ठीक है, अब आप लोग को डन कर लेना है। सो आप लोग किसी भी कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बैकग्राउंड को। ठीक है, एंड इस टाइप से आप लोग फोटो का फेस को व्हाइट एंड स्मूथ एंड बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।